आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। पश्चिम बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार खलीलुर रहमान ने जीत हासिल की है और लगातार 3 जीत के साथ उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की। खलीलुर रहमान इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मुर्तजा हुसैन को करारी शिकस्त दी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 1,16,000 कुछ वोटों से भारी अंतर से हराया। खलीलुर रहमान यहाँ से दूसरी बार सांसद बने हैं। इस बार चुनाव में उन्हें 5,00,000 कुछ वोट मिले। दूसरे नंबर पर आए कांग्रेस उम्मीदवार मुर्तजा हुसैन। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष तीसरे नंबर पर रहे। एक समय इस सीट पर कांग्रेस के कब्जे में हुआ करती थी। पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी भी सीट से 2 बार सांसद रहे हैं। जंगीपुर लोकसभा सीट से ममता बनर्जी ने एक बार फिर खलीलुर रहमान पर भरोसा जताया। इससे पहले 2019 के चुनाव में भी खलीलुर रहमान ने शानदार प्रदर्शन किया था और वो बड़े अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, जबकि वो 2014 के चुनाव में भी विजय हुए थे। खलीलुर रहमान अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य और पश्चिम बंगाल की जंगीपुर सीट से सांसद हैं। वो पहली बार 2019 की 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सलाहकार समिति, श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी संसदीय समिति के सदस्य हैं। उनका जन्म 1 सितंबर 1960 को नूर मोहम्मद विश्वास और जनारा बेगम के घर हुआ था। रहमान पेशे से उद्योगपति हैं। उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की है। खलीलुर रहमान की सामाजिक कामों में खास रुचि है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार खलीलुर रहमान को जंगीपुर की जनता ने 2019 में सांसद बनाया था, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली बीजेपी उम्मीदवार माफूजा खातून को थी। वही 2014 के चुनाव में जंगीपुर सीट पर कांग्रेस को विजय मिली थी।